का जो कार्यक्रम उसके बारे में बताएं, किस विषय में यहाँ रोजगार बिहार में अत्यंत ज़रूरी है, सब जानते हैं। सबसे पहले बात कि हम लोग को पेशेंस की ज़रूरत है रोज़गार को लेके, और बिहार में पेशेंस की ही कमी है थोड़ी सी, क्योंकि लोग पहले से माइंडसेट, लोग पहले दिमाग भर दिया गया कि बिहार में वो इको फ्रेंडली वो है ही नहीं, वो इको सिस्टम ही नहीं है। तो सबसे पहले रोज़गार के लिए हमें इको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। आज से बहुत साल पहले आप बिहार को देखकर, आज बिहार को देखें, बहुत ज़्यादा बृहद है, बहुत सारे स्टार्टअप को फंड मिल रहे हैं, बहुत सारा रोज़गार आ रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम में हम चाहेंगे जितने भी युवा हैं वो आए और अपना रोज़गार लगाए, आत्मनिर्भर बने और सरकार की जितनी भी योजना है उसका लाभ उठाए। किस तरह का रोज़गार आप लोग जो बोल रहे हैं युवाओं को देने का, जो आगे आए? देखिए, बिहार में आप अचानक से कुछ आईटी सेक्टर में कर सकते हैं। बिहार में क्या चीज़ है, बिहार में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको आप रोज़गार, अभी आप देख लीजिए मखाना, मखाना का रोज़गार कितना बढ़ गया, जबकि उसको हम लोग बहुत नॉर्मल लेते थे, अच्छा मखाना ही, लेकिन अब हर घर वो सुपर फूड में आ रहा है। आप सत्तू को ले लीजिए, वो सुपर फूड में आ रहा है। जो बिहार की कलाकृतियाँ हैं, जैसे कि हम लोग गुड़िया कला कहते हैं, गुड़िया कला कहते हैं, आप चले जाइए डिज्नी या फिर कोई ऐसी खिलौने में जो 700-800 रुपये हम लोग खरीद लेते हैं। हमारे बिहार में जो भी सरकार है उनसे अनुरोध है कि पैकेजिंग पे इतना फोकस करें कि बिहार की जो कलाएं हैं उनका पैकेजिंग अच्छा हो, ताकि वो भी एयरपोर्ट पे आराम से मिल सके और लोग अच्छे से खरीद सकें। जब पैकेजिंग अच्छा होगा लोग खरीदेंगे। आपका क्या मकसद है, आप क्या जागरूक कर रही है, आप बताएं? देखिए, मेरा दो सेगमेंट है। मेरा द केदार हाउस है, द केदार हाउस इंटरप्राइजेज है, जो कि बिहार के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसको किस तरह से हम युवाओं के बीच में ला सकते हैं। आपको बिहार में मधुबनी पेंटिंग के अलावा बिहार में भोजपुरी पेंटिंग भी है, आप उस पर काम करें। भोजपुरी पेंटिंग के पीढ़िया है, कोहबर है, उसमें बहुत सारे उस चीज़ को नए तकनीक से पुरानी चीज़ों को हम नए युवाओं तक, क्योंकि पहनेगा बिहार तब जानेगा बिहार, है ना। अब युवाओं के बीच में उसको कैसे लाएंगे, तो युवाओं के बीच लाएंगे। और दूसरा हमारा सेगमेंट है पोथी पत्री फाउंडेशन, जो कि वुमेन के हाइजीन के लिए काम करती है। आपको पता होगा कि बिहार में 80% लगभग महिलाएँ जो है सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करती, उसमें से भी आप 40% उठा के देख लें तो वो गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं, जिससे सर्वाइकल कैंसर, वर्ल्ड में 5वां स्थान है महिलाओं के मरने का। बिहार की स्थिति इतनी ख़राब है, हम गांव की अभी छोड़ दें, आपकी पटना की स्थिति बहुत ख़राब है, आसपास झुग्गी झोपड़ी आप जाके देख लेंगे तो महिलाओं को 20-25 रुपये अपने पर खर्च करने का, ऐसा नहीं कि उनको वो सक्षम नहीं है, वो समृद्ध नहीं है, लेकिन उनको जागरूकता की कमी है कि अगर आप 20 रुपये का पैकेट, बिस्किट का पैकेट अपने बच्चों को खरीद के दे सकती हैं तो आपके लिए भी वो उतना इंपॉर्टेंट है कि आप 20 रुपये का सैनिटरी पैड खुद ले सकते हैं, तो उनको कौन जागरूक करेगा, उनको हम जागरूक करेंगे। और पोथी पत्री टीम लगातार, मतलब 2016 से काम कर रही है, मनीष जी हमेशा इस चीज़ को देखते ही हैं, 2016 से काम कर रही है। और हम लोग का मकसद है ना, हम लोग 80% तो नहीं, कम से कम 20% भी अगर हम लोग कर दें तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा उपलब्धि होगा हम लोगों के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम ऋचा राजपूत। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।